कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बुरहानपुर जिले से आज खंडवा जिले में प्रवेश हुआ। सबसे पहले यह यात्रा सुबह करीब 6 बजे बड़ा बोरगांव पहुंची। यहां से यात्रा आगे बढ़ी और रुस्तमपुर के पास इस यात्रा का पड़ाव था, जहां राहुल गांधी, कमलनाथ, प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं ने विश्राम किया और भोजन किया। रुस्तमपुर में विश्राम के बाद राहुल गांधी, कमलनाथ समेत तमाम बड़े नेता टंटिया मामा के ग्राम बौदाहिर पहुंचे और यहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वाहनों द्वारा सभी डुलार फांटे से आगे पहुंचे और यहां से पैदल यात्रा शुरू हुई। गुरुद्वारे के पास से पैदल शुरू हुई यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। इसी के साथ कार्यकर्ताओं में यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह था। वहीं आदिवासी नृत्य की झलक और निमाड़ क्षेत्र के नृत्यों की झलक भी इस दौरान देखी गई। यात्रा में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आए। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने देश भर से लोग आए हैं। वहीं इसी के साथ स्थानीय कार्यकर्ता भी राहुल गांधी की कदम से कदम मिलाने के लिए दौड़ते हुए नजर आए। तमाम बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। छेगांव माखन तक की यात्रा पैदल चली, उसके आगे रात्रि विश्राम होगा और कल यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ओंकारेश्वर का दौरा करेंगे। चैनल की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए कृपया चैनल की खबर को लाइक ज़रूर करें और खबर पसंद आए तो कमेंट करें। इसी के साथ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा।